उमेश भाई आपके लिए पार्सल आया है। पार्सल आ दिखाओ यार, इसके अंदर दिक्कत भी छोड़ दी है। जैसा कि आपने अभी देखा थोड़ा नाटक सामने किया, पर आज हमारे पास है सच में जोलोचित और हम लेने वाले हैं जोलोचित चैलेंज। और ये मेरे को भी अभी से मेरे को घबराहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि इससे खाने वक्त मेरा क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, पर मैं इसको ज़रूर ट्राई करूंगा। और ये बहुत ख़तरनाक है, आपको सभी को पता ही होगा क्योंकि आपने सब ने इसके बारे में पढ़ा, मतलब कि वीडियो और कई जगह पर सुन भी चुके होंगे ये कैसी और कितनी ख़तरनाक होती है। और आप देख सकते हैं इसमें पर हमारे पास है जोलोचित, ठीक है दोस्तों। अभी इसको अभी हम खोलेंगे, ओपन करेंगे और इसको खाएंगे भी। तो सिंपल सा अभी स्टार्ट कर दे, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास अभी जोलोचित आ गई है, और सिंपल सा इसके बारे में आपको कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ क्या है ये, क्या है और किससे बनी है। तो सबसे पहले इस पर लिखा हुआ है वन ब्लैक डेडली चिप इनसाइड, मतलब कि इसके अंदर एक बहुत खतरनाक डेडली चिप है और इसका नाम है जोलोचित। और इधर लिखा है लास्ट चैलेंज, मतलब कि लास्ट चिप चैलेंज। और उधर दूसरा भी एक वार्निंग भी लिखी है कि वार्निंग क्या है ये। और इसमें थोड़ा वार्निंग आपको बता देता हूँ कि इसमें लिखा है कि आप इसको बहुत सेंसिटिव है, आपके खाने के बाद आपको हीट भी जनरेट हो सकती है अंदर, और खाने के बाद और आपको कुछ भी हो जाता है, मतलब कि इस लोग बता देते हैं। और सिंपल सा जिसको कि हार्ट की बीमारी है, कुछ ब्लड की बीमारी है, इसको उसको खाना नहीं चाहिए। और पहले सबसे लोग वार्निंग दे देते हैं कि अब इसको कभी नहीं खाना चाहिए। और लिखा है अलर्ट हिज हेल्थ सॉलिड इजी, मतलब कि इसको खाने में बहुत आसानी है, पर इसको खाने के बाद क्या होगा वो भी खतरनाक है। सिंपल से इसको अभी ओपन करेंगे हम लोग, तो सिंपल से इधर से हम लोग ओपन करते हैं। तो सिंपल सा रेपर है तो फेंक देते और एक और ये तो आप देख सकते हैं ये। और सिंपल सा इसको हम ओपन करेंगे गाइस, देखिए ये इसमें पूरे बक्से में एक ही चिप है और इसकी प्राइस है 200 रुपया, मतलब कि 200 की एक ही चिप इतनी ही। और इतनी खाने में मेरी आप सोच सकते हो इसके खाने के बाद मेरे को क्या होगा। तो सिंपल सा देख ले इधर इजी वर्ड्स लिखा है अभी, और इधर कुछ लिखा है इसके खाने के बाद क्या क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हो इधर इसमें आसानी सबको लिखा है कि इसके आपके खाने के बाद आपको, मतलब कि आपकी आवाज़ भी जा सकती है या आपके मुंह में से आग भी निकल सकती है। और तीसरा लिखता है कि आपके आंखों के सामने अंधेरा भी छा सकता है। और तीसरा लिखा है कुछ लिखाने पर आखिरी में लिखा है रिप, मतलब रेस्ट इन पीस भी हो सकती है, मतलब कि मर भी सकते हैं इसमें ऐसा लिखा है। तो अभी कुछ दिखना नहीं है हमको, अभी इसको बंद कर देते हैं और इसको फेंक देते हैं। पर फेंकने के बाद एक हम लोग एक थंबनेल के लिए ले लेते हैं, क्योंकि कुछ मुझको नहीं लगता कि इससे खाने के बाद मैं फ़ोटो लेने लायक रहूँगा। तो एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं भाई, हमारे एक फ़ोटो क्लिक कर लो, ठीक है। दे लिया हमने फ़ोटो, अभी सिंपल से इसको ओपन करते हैं। तो अभी बक्से को थोड़ा पास में रख देते हैं और सिंपल इसको ओपन अभी ओपन करेंगे। और गाइस इसको देखते मेरे को बहुत घबराहट सी हो रही है। तो आप देख सकते और इसको सिंपल से ओपन कर रहे हैं हम लोग, इसको सिंपल से हम पूरा ही ओपन करेंगे क्या, ताकि आपको मैं बता सकते कितनी मोटी आती है और कितनी आती है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये इतनी चीप 200 रुपये की है और इसमें बहुत सारी मिर्च लगी है। और अभी से मेरे को अंदर अभी घबराहट होने लगती है। अभी इस रैपर का भी रख देते और अभी से मेरे को घबराहट होने लगी है दोस्तों। क्या खा जाओ भाई, इस खा जाओ, अभी ये लोग बोल रहे हैं खा जाओ, पर अभी इसको खा। गाइस अभी मैं सिंपल से इसको खाने वाला हूँ और मेरे को अभी भी इसे घबराहट होने लगती है, खाओ या ना खाओ, पर अभी चैलेंज ले लिया है तो उसको खाना ही पड़ेगा। तो इसको मैं धीरे धीरे नहीं खाऊंगा, डायरेक्ट अंदर ही उतार लूँगा, मतलब डायरेक्ट अंदर चबा के खा जाऊंगा। तो अभी खाने तो मेरे को अंदर से अभी
अभी खाते वक्त मेरे को दुख हुआ नहीं, पर अभी धीरे धीरे इसका असर हो रहा है। अभी धीरे धीरे आंखों से पानी निकलना शुरू हुआ है। अभी जैसे मैं बोलता मेरे आग से मुंह में से अगन आग निकल रही है, ऐसे नहीं होते ऐसा हो रहा है मेरे को भी। अभी मैं देखता हूँ कि मेरे को कितनी देर तक ये सहन कर सकता हूँ, मतलब इतनी देर तक मेरे का अभी कैपेसिटी है इसकी सहन करने की। अभी हमारे इधर थोड़ा म्यूजिक चल रहा है, इसका आवाज भी अंदर आ रहा है, पर क्या कर इसको अभी बनाना था मेरे को। जैसे जैसे ये अंदर जा रहे अंदर से गर्म हवा निकल रही है। अभी इसका असर ज्यादा देख रहा है, अभी पूरा मुंह में जैसे आग लग रहा है ऐसा लग रहा। जैसे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी आवाज दब रही है और मुंह पे पसीना आना शुरू हो चुका है। अभी खाली मोड़ा मत तीखू लगा जो लाओ भाई पानी लाओ, दूध पानी है, दूध लाओ, दूध पहले दूध पिला रहे, दूध तेरा ग्लास भी लेके आओ भाई। अभी इसको हीट इसकी रोकने के लिए हम लोग दूध पीना जरूरी है, क्योंकि दूध में थोड़ा हमेशा हल्का परसेंट ऑयली फैट आता है। जैसे जो गाइस में से बोला भी नहीं जा रहा, और आप नए हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर देना, कुछ भी कर देना, मतलब कुछ भी, और आपको कुछ नहीं बोलूंगा आगे। दूध पीने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर इसकी जलन अभी तक नहीं रुक रही है और आंखों में से पानी भी बंद नहीं हो रहा। मैंने पूरा एक ग्लास दूध पी लिया तब भी मेरे को अंदर से जलन बंद नहीं हो रही अभी दोस्तों, और पूरे नाक भी बह रहा है मेरा। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? और एक बार बस, अगर आप इसको खाने की ट्राई कर रहे हो मत खाना, इसको खाने के बाद आपको कोई कैसा फील होगा मैं बता नहीं सक रहा था, अच्छा बोल भी नहीं सकता मैं अभी तक आपके सामने। और गाइस भाई एक चॉकलेट दे दो मेरे को भी, चॉकलेट खाने के देखते हैं थोड़ा कम हो जाए और हल्का सा डेयरी मिल्क खा दे अच्छा हो जाए। बड़ा अच्छा लगा है मेरे को भी। और गाइस आखिर में एक ही बात बोलूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक गाइस बस दोस्तों, इसको कभी भी मत खाना वरना क्या झेल सकते हो आप खुद ही सोच लेना, ठीक है दोस्तों। और इसको दूसरी बार मेरे को ट्राई करने का मन ही नहीं है, फेंक दो इसको, नहीं खाना नहीं करना, बाय बाय।